अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत सारे लोग अक्सर उनका क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि क्या रियल स्टेट के अंदर जितना यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स है, इस मार्केट के अंदर जितनी वोलेटाइल मार्केट है कि जब ये मार्केट के अंदर बेस्ट टाइम आ रहा होता है तो उस वक्त भी कोई पता नहीं चलता कि कब इसका बेस्ट है, और फिर जब इसके बुरे हालात आते हैं, बुरा टाइम आता है, जब इस मार्केट के अंदर स्लम आता है, रिसेशन आता है, तो उस वक्त भी कुछ समझ नहीं आती कि आगे हम फर्दर क्या करें। इसमें हमें क्या इसको एज ए कैरियर लेना चाहिए या अगर हम इसको इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट कैसे होनी चाहिए। सबसे पहले बात कर रहे थे कैरियर के हवाले से। रियल स्टेट एक मुकम्मल इंडस्ट्री है। रियल स्टेट के अंदर बहुत सारे ऐसे आगे इसके आप कह लें कि सब इंडस्ट्रीज हैं जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन आ जाती है, जिसके अंदर बाकी डिफरेंट और कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज़ होने वाला मटीरियल, ये सारे कुछ आ जाता है। अगर आप इसको एज ए कैरियर ले रहे हैं तो आप किसी एक डिपार्टमेंट के अंदर उसका फुल फ्लैज आपको उसके ऊपर ग्रिप होनी चाहिए कि अगर आप कंस्ट्रक्शन को उठा के देख रहे हैं तो फिर आप कंस्ट्रक्शन की ईच एंड एवरीथिंग के ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए कि एक घर बनाने के लिए अगर मैं 5 मरले का घर बनाना है तो उसके ऊपर हमें ब्रिक्स कितनी यूज़ होनी है, उसके ऊपर हमें सीमेंट कितना यूज़ होना है, उसके ऊपर आपका सरिया कितना यूज़ होना है, इन शॉर्ट पर स्क्वायर फीट इसके ऊपर आजकल क्या कॉस्ट चल रही है, और आप वक्त के साथ साथ उसके साथ अपडेटेड रहेंगे। अगर आप अपडेटेड रहेंगे चीज़ों का, आपको ये चीज़ों से आइडिया होगा, तभी आप एक प्रोफेशनली इस चीज़ को अडॉप्ट कर सकेंगे, तभी आप इसको एज ए कैरियर ले लेंगे। लेकिन अगर आप इसका ना 3 में है ना 13 में है, ना आपको पता है कि ये घर किस तरीके के साथ बनना है, लेकिन कोई भी क्लाइंट अगर आपसे पूछता है कि मैं घर बनाना चाह रहा हूँ, तो आप उसको वही स्टोरी घुमाना शुरू कर दें, वही कहानियाँ सुनाना शुरू कर दें जो सो कॉल्ड टिपिकली प्रॉपर्टी डीलर्स करते हैं, तो फिर मेरे भाई इसके अंदर जो कैरियर है वो कोई इतना अच्छा नहीं बने जा रहा, फिर आपको कोई और चीज़ देख लेनी चाहिए।